बहुत ही खुशमय समय आने वाला है, बहुत ही सुखद समय आने वाला है, और वो समय है शुक्र का मीन राशि में जब प्रवेश होगा। और ये समय आ रहा है 2 तारीख की रात्रि को, 2 फरवरी की रात्रि को, और 2 और 3 फरवरी डेट मान लें इसको आप, क्योंकि 2 तारीख को 12 बजे के बाद राशि परिवर्तन होगा। तो शुक्र का मीन राशि में परिवर्तन सभी जीवधारियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। शुक्र यहाँ पर उच्च राशि में रहेंगे। शुक्र जीवन में सुख का कारक है और हर किसी की कामना होती है जीवन में शांति और सुख उसे मिल सके, वो उसे प्राप्त कर सके। तो शुक्र का जो मीन राशि में प्रवेश हो रहा है, इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए ये जानते हैं। इस जो फलादेश है इसको अपनी राशि के हिसाब से ही देखें, लग्न के हिसाब से ना देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुक्र का मीन राशि में प्रवेश, सबसे पहली चीज़ तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के लिए ये समय भोग विलास को बढ़ावा देने वाला होगा। भोग विलास हमेशा ख़राब नहीं होता है। भोग विलास, खुशियों को एंजॉय करना, अपने एंटरटेनमेंट के दायरे को बढ़ाना, अच्छे सेंस में भी हो सकता है। हर व्यक्ति का एंटरटेनमेंट और खुशी को महसूस करने का तरीका अलग अलग होता है। कुल मिला के ये जो समय है, मेष राशि वाले जिस चीज़ में खुशी का अनुभव करेंगे उसमें बढ़ोतरी होगी। खर्चा भी होगा लेकिन पैसा भी आएगा। व्यय लेकिन ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सोच समझ कर खर्च करें, लेकिन सुख में तो वृद्धि होगी। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो प्रवेश हो रहा है मीन राशि में, ये आर्थिक सोर्सेस को बढ़ाने वाला साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन की। मिथुन राशि वालों के लिए ये अपने कार्य क्षेत्र में सुखमय समय को व्यतीत करने वाला बनेगा। अब तक जिनसे पटरी नहीं बैठ पा रही थी, वो भी आगे बढ़ बढ़ कर आपसे दोस्ती करेंगे और आपकी जो एक पर्सनैलिटी है अलग ही निखर कर सामने आएगी। आपको शिक्षा से भी लाभ होगा, विद्या अध्ययन के और ज़्यादा आपके योग बनेंगे, प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी। कर्क के लिए भाग्योदय वाला समय साबित होगा ये, और भाग्य के अवरोध दूर होकर रास्ते खुलेंगे। सिंह वालों के लिए कहीं से पैसा जो रुका हुआ था वो उन्हें प्राप्त होगा। कन्या वालों के लिए जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, अलगाव की स्थिति भी हो सकती है, लेकिन यदि उन्हें प्यार से मनाना चाहेंगे तो मान भी जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा ईगो को कम करके और अपना प्रेम का दायरा बढ़ाइए, जिससे कि सभी लोग आपसे खुश रहें, घर के लोग, और आपको आशीर्वाद देवें, और जो जीवन साथी है उनसे भी आपकी पटरी अच्छी बैठ सके। छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी तो संभव है। तुला के लिए थोड़ा सा रोगों को से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखें, ज़्यादा मौज शौक और विलासिता पर अपव्यय ना करें। वृश्चिक वालों के लिए प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। धनु के लिए ये जो समय है, घर में कोई लग्जरियस चीज़ आएगी, वाहन या मकान का भी अच्छा योग बनता है। अब हम बात करते हैं मकर की। मकर के लिए पराक्रम बढ़ेगा। कुंभ के लिए धन का आगमन होगा, अर्निंग्स बढ़ेंगी। और मीन के लिए तो जो ये समय है, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा अहितकर हो सकता है, लेकिन धन की दृष्टि से